मुस्तफा नवाज खोकर साहब गिरफ्तार होने लगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वसीम, पहले तो आज होली है और मैं तमाम नाम मुस्लिम को ये बहुत अच्छा कि आपने हमारी तरफ से भी तमाम हिंदू होली की कांग्रेचुलेशन कहूंगा उनको। दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी की धमकियां मुस्तफा नवाज खोकर अकेले एक शख्स को नहीं, उन्होंने कहा जो जो जत्थे थे उलझ रहे थे उनमें मैंने सवाल किया तो उन्होंने जी 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 मुस्तफा साहब भी उनमें शामिल थे तो अकेले वो नहीं। देखें, आपने सवाल गलती से, आपने सवाल उस शख्स से किया है जो हमारे भी तर्जुमान रह चुके हैं, माजी में किसी दूसरों के तर्जुमान रह चुके हैं, आगे चल के हो सकता है वो हमारे तर्जुमान हो और अभी की हुकूमत जब अपोजिशन में रहेगी, क्योंकि वो शख्स अपोजिशन में कभी नहीं रहता, इन्हीं के ऊपर तनकीद करे। अच्छा, आपके पास आएंगे तो आप रख लेंगे आगे भी? आज यार ये पॉलिटिकल पार्टी है और लोग तो कभी कभी पनाह पर एतराज नहीं तो उनके जाने पे पनाह लेने के लिए लोग आ जाते हैं, कोई रखते हैं तो कोई आते हैं, पनाह लेने के लिए लोग भी आ जाते हैं, पनाह देते हैं तो कोई पनाह लेते हैं ना। दूसरी बात जी जी, आज इस मुल्क में वजीर आजम जो शख्स बैठे हैं जी जी, वो माजी में इस्लामाबाद में उनकी पार्टी के कारकुनान उस वक्त ये पार्टी में नहीं थे, आज जो तर्जुमान है, मेरे कहने का मकसद ये है कि उस वक्त ये नहीं थे, वैसे उस पार्टी में चार साल में उस पार्टी में नहीं थे और ये 2014 और असमतुल्ला जूने जो आई थिंक बाबर्दी एसएसपी थे इस्लामाबाद में, उसकी जो मार पिटाई हुई, बड़ा अच्छा लगता कि आज इस फोटेज में वो भी जरा माजी याद दिला देते उनके। और आज शख्स जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान नियाजी साहब, वो इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन पे जाके हमलावर होके और अपने कारकुनों को छुड़ाते रहे, ये सिर्फ गलत थे बल्कि काबिले मजम्मत थे। आज वो कानूनी तौर पर बात होगी, लेकिन आज ये बिल्कुल गलत, मैं कह रहा हूँ काबिले मजम्मत है, कानूनी तौर पर हमने क्या गलत किया? वजीर आजम गलत है अपनी स्पीच, वो शख्स जब वजीर आजम है तो गलत है? नहीं नहीं, उससे पहले भी गलत था, ज़ाहिर है उसमें तनकीद। आज भी वो शख्स क्यों बना हुआ है? और हम चूंकि कल खान साहब के उस इकदाम को गलत कहते थे, इसलिए हम समझते हैं आज आपका ये इकदाम भी गलत था। मेरे कहने का मकसद आप भी मुस्तफा नवाज साहब के इकदाम को गलत कहते हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान में था, कानून था, आज भी पाकिस्तान है और कानून है, इसलिए हम उसको भी गलत कह रहे थे, इसको भी गलत कह रहे हैं। नहीं, उसको गलत कह रहे हैं, उस वक्त गलत नहीं कह रहा, उस वक्त गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो शख्स वजीर आजम कैसे बना हुआ है यार। तो अगर किसी बंदे ने कभी एक गलत थाने पे हमला करके थाने पे हमला करके लोगों को छुड़ाने वाला शख्स जब वजीर आजम हो इस मुल्क का, बड़े बड़े लोग। और दूसरी बात, पीटीवी पे हमलावर होने वाला शख्स आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। रही बात आज क्या हुआ, इत्तफाक से ये जो फोटेजेस आप दिखा रहे हैं ये वो दिखा रहे हैं जो कारकुन जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा था, जिनके सर फटे हैं, जिनके पांव जख्मी हुए हैं, जिनके कानों और गले से खून बह रहा है, वो फुटेजेस का इससे पहले वाली फुटेजेस में मीडिया सो रहा था। दूसरी बात कि ऐसा क्या हुआ आज पिंडी मीडिया में से भी फुटेजेस आ रही हैं जो आपके साथ जुल्म और फुटेजेस नहीं आ रही। अक्सर वो बेशतर ये दिखाया जा रहा है कि मुस्तफा नवाज खोकर ऑन स्पॉट मौजूद थे कारकुनों के ऊपर। आप जब हमलावर हुए, आज पुलिस गर्दी जो हुई है रावलपिंडी में, देखे रावलपिंडी से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि रावलपिंडी से आप क्यों इरिटेट हैं, वो कारकुनान जिन्होंने शहादत देखी है सिर्फ 10-12 साल पहले अपनी कायद की इसी पिंडी शहर में, और एक वजीर फेडरल गवर्नमेंट का कैबिनेट का वजीर जब ये धमकियां दे बिलावल भुट्टो साहब को और सामने से प्राइम मिनिस्टर साहब उसको पूछने के लिए तैयार नहीं हो और वो मकामी हो पिंडी का वो वजीर, तो आप किस तरह मान ये बातें अलग है सवाल है। मुस्तफा नवाज साहब का एकदम इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं या मजम्मत कर रहे हैं? मुझे आप दिखा दें कि सही होती है गलत होती है, आप बताएं क्या है? नहीं बादामी साहब, मुझे आप दिखा दें उसके हाथ में डंडा है और किसी पुलिस आरे को मार रहा है, वर्दी वाले अफसर को वो धक्का दे रहे हैं, कारकुनों को बचा रहे हैं, तर्जुमान है वो, कारकुनों को बचा रहे हैं। अगर दिखा दें, मैं भी खड़ा हूँ, उस वक्त कोई हमलावर नहीं हो रहा, मैं भी खड़ा हूँ, साहब एक कोने पे खड़े हैं, वो कहते हैं यहाँ के इंचार्ज कौन है, पुलिस गर्दी हुई है, पुलिस गर्दी हुई है, कारकुनों के ऊपर ने काम किया और गलत किया था, कोई हथियार था कारकुनों के ऊपर, कारकुनों के पास कोई हथियार नहीं था, उसको क्यों गलत कह रहे हैं? तो हमलावर वो तो स्पेशल थाने पे हमलावर हुए यार, किसी कारकुनों को बादामी साहब यहाँ से कोई आपके कैमरामैन को पकड़ेगा आप उनसे पूछेंगे नहीं? ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि ऑन स्पॉट अगर मैं खड़ा हूं मेरे कारकुनों को कोई पकड़ेगा तो मैं बात करूंगा, कोई नहीं बात थोड़ी कर तो मैं कहूंगा, मैं दिखा शोल्डर पे हाथ लगाऊंगा, दिखा शोल्डर पे देख ले, देख ले फिर आगे बात देखा है भाई। ये कौन है इधर इंचार्ज इनका? पूरे दिन ये फोटेजेस देखे हैं। आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो आप रेलेवेंट बंदे से, आपकी तो अप्रोच है, आप बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर से बात कर सकते हैं कि यार ये लोगों से ना कि बिलावल साहब के तर्जुमान की गिरेबान पकड़ ले बावर्दी पुलिस ऑफिसर का। मैं इसलिए आपकी तवज्जो से इन कागजी तर्जुमानों को कहना चाहता हूँ कि पीपुल्स पार्टी के कारकुनों से खुदा रास्ता ट्रीट ना करें, वो पॉलिटिकल कारकुन है,
वरना वो करेंगे पॉलिटिकल कारकुन है, आप उसकी मजम्मत करने को तैयार नहीं है अपने बचा मेरे कारकुनों पर जो तशद्दुद हुआ बिला जवाब उसको क्या कहेंगे इनके कारकुनों पर। वलीद इकबाल साहब अब आप बता दें भाई, अब वो कहेंगे वलीद इकबाल साहब हमारे कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा था तो हमारे लीडर रुक गया था। वलीद इकबाल साहब के जो प्राइम मिनिस्टर है वो थानों पे हमला करके प्राइम मिनिस्टर सबके है ना कायद उनके प्राइम मिनिस्टर किसने पूछा हमला क्या पाकिस्तान का कानून मौजूद नहीं था जी भाई वलीद इकबाल साहब